नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। रिपोर्टर्स डायरी लेकर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। झारखंड में दुर्गा पूजा की तैयारी आज से प्रारंभ हो गई है। आज पहला पूजा है और आज कलश स्थापन के साथ ही श्रद्धालु लगातार मंदिर में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए 2 साल कोरोना के बाद इस बार जो भीड़ उमड़ेगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस कप्तान सहित सभी लोगों ने शांति समिति की बैठक कर एक दूसरे से राय विमर्श लेने का प्रयास किया है। उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि इस बार भीड़ अधिक होने की संभावना है, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस बार रिस्ट्रिक्शन में ढील दिया गया है, लोगों को खुलकर घूमने की आजादी होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह पुलिस ने यह दिशा निर्देश दिया है कि पुलिस सादे लिबास में पंडाल के आसपास घूमेगी और असामाजिक तत्व पर नजर रखेगी। एक और चीज जो दिलचस्प है वह यह कि झारखंड में बच्चा चोर का मामला लगातार फैल रहा है। यह महज एक अफवाह है और लगातार पुलिस प्रशासन इसके लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि यह अफवाह है, कानून को अपने हाथ में ना लें। इसका परिणाम यह देखा जाता है कि कहीं कोई निर्दोष भी पीटा जाता है जो बाहर से आते हैं और वहां पता पूछ रहे होते हैं। अब यह देखना होगा कि इस दुर्गा पूजा में प्रशासन की जो तैयारी है क्या भक्त उसे मानते हैं, क्योंकि इसके लिए दिशा निर्देश यह दिया गया है कि भीड़ भाड़ जगह से बचें एवं पूजा पंडाल कमेटियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो वाहनों को सुरक्षित लगाने के लिए व्यवस्था स्वयं करें, वॉलंटियर को आई कार्ड दिया जाए जिससे कि पहचान में आए और असामाजिक तत्व को पकड़ा जाए। अनुमान है इसी अवसर का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व हुड़दंग करते हैं और लोगों के बीच शांति भंग करते हैं। परंतु इस बार जिस तरह झारखंड में प्रशासनिक तैयारी है, यह कहना सही होगा कि आने वाले समय में लोग सुरक्षित ढंग से पूजा कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। जहां एक तरफ पूरे देश की नजरें इस पर थी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो वहीं अब इसी बीच कांग्रेस में आपसी फूट देखने को मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बगावत कर दी है। बीते 24 घंटे में जो भी घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश ने देखा है। इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान कांग्रेस में फूट पड़ी, क्योंकि सब कुछ अशोक गहलोत की सहमति से हुआ, लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत के समर्थक जो विधायक हैं उन्होंने कल जो एक मीटिंग रखी गई थी बहुत महत्वपूर्ण, उसमें हिस्सा नहीं लिया। देखिए सर, एक तरफ तो पूरे देश के ऊपर यह सवाल था, पूरा देश नजर बनाया हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन चुनाव लड़ेगा और कौन अगला अध्यक्ष होगा, लेकिन उससे पहले ही ठीक अभी नामांकन भी नहीं भरे गए हैं, राजस्थान कांग्रेस में फूट पड़ गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फूट नहीं है, ये जनतांत्रिक पार्टी है और उत्तराखंड में 3 बार रातों रात मुख्यमंत्री बीजेपी का बदल दिया गया, वहाँ पर तानाशाही है। और गुजरात में 3 बार बदले गए, कांग्रेस की हमेशा से यही तरीका रहा है, मतभेद। डेमोक्रेसी में मतभेद न हो और चर्चाएं न हो तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ, वो तो तानाशाही है। तो आप इसको देखते जाइए, ये शुभ लक्षण है, ये कोई आप मत समझिए। देखिए, सत्ता में रहें या न रहें, जनतंत्र सबसे बड़ी चीज होती है। जनतंत्र को अगर कांग्रेस पार्टी भी दबाए और बीजेपी ने तो गला घोट ही दिया है, तो भी साथ नहीं देना चाहिए। तो बोलने की स्वतंत्रता, अपनी विचार रखने की अभिव्यक्ति, ये सबसे बड़ी देन है डेमोक्रेसी की। तो देश के लोग अभी भ्रमित हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में, मीडिया जिस तरह से रात दिन भारत को नहीं दिखाती, मोदी जी को दिखाती है, लगता है कि मोदी जी एक व्यक्ति भारत से बड़े हो गए हैं, वरना जनतंत्र
ये सब जनतंत्र के लक्षण हैं। जनतंत्र के तो लक्षण हैं माना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, कांग्रेस जो आला कमान है वो भी खासा नाराज दिख रहे हैं। अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो नाराज हुए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत की सहमति से ही उनके विधायकों ने जो है बगावत की है, क्योंकि वहां के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके खेमे के जो विधायक है तकरीबन 92 लोगों ने बताया जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस तरीके से, क्या लगता नहीं आला कमान का जो आदेश था उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं? अनडेमोक्रेटिक होता, आला कमान को ही तय कर दिया जाता तो चुनाव क्यों कराया जाता है? तो ये तो अटकलें हैं कि आला कमान नाराज है, चुनाव ही इसलिए कराया जा रहा है कि सब अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त कर सकें, जिनके अंदर जो प्रतिभा है उभर करके आए। यही तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं कि आला कमान नाराज है। नहीं, अब आला कमान ने तो खुद ही कहा, छोड़ दिया कि एक एक विधायक से बात करें, अब एक एक विधायक से बात करके जो फैसला होगा किया जाएगा। ऐसी नौबत ही क्यों आई सर, नौबत क्यों ऐसी आन पड़ी कि एक एक विधायक से बात करनी पड़ रही है? ऐसा नौबत आना चाहिए, जनतंत्र है यही, लेकिन इस देश में जनतंत्र नहीं है अलग बात है, आना ही चाहिए, होना यही चाहिए। अशोक गहलोत क्या चाहते हैं कि जो अगर सचिन पायलट की बात करें वो मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि वो सीपी जोशी का नाम लगातार उन्होंने ये बताया कि सोनिया गांधी के आगे रखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं इतना नहीं जानता हूँ कि कौन किसका नाम रखा है, लेकिन एक बात है कि अब सब मामला तय हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया चल रही वो जनतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है और इसका स्वागत देश को करना चाहिए। अलग बात है कि मीडिया के द्वारा प्रस्तुति की जाती है, अरे टूट हो गई, फूट हो गई, और जनता को लगे कि देखो ये लड़ रहे हैं। वास्तव में जनतंत्र में होना यही चाहिए। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया सर, उन्होंने कहीं ना कहीं आला कमान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इस समय जो कांग्रेस को जरूरत है 2023 के विधानसभा राजस्थान में चुनाव होने, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा जो एक प्रदेश बचा है वो सिर्फ राजस्थान है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या अध्यक्ष पद जरूरी नहीं है उनके लिए, अध्यक्ष के चुनाव जरूरी नहीं है? देखिए दोनों जरूरी है उनके लिए, अशोक गहलोत जी बहुत ही पॉपुलर नेता वहां के, दोनों जरूरी है उनके लिए। अशोक गहलोत जी ने ही सरकार बचाई है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर अशोक गहलोत जी ने कुछ कहा है तो जरूर दम है उसमें, उसको भी विचार किया जाना चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये सारी चीज़ें की हैं वो पूरे देश के बच्चे बच्चे ने देखे, तो वो अब डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए। व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आप ही की पार्टी के हैं? नहीं नहीं, व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन SC ST OBC के लोग बहुत प्रेम करते हैं अशोक गहलोत जी से, यही कारण है कि पार्टी बची हुई भी है। जैसे एक छवि है दिग्विजय सिंह जी की कि दबे कुचलों में, और कमलनाथ जी भी, लेकिन विशेष रूप से दिग्विजय जी माने जाते हैं, तो ये लोग टिके हुए हैं। उसी तरीके से अशोक गहलोत जी का भी है कि सभी वर्गों को लेके चलते हैं। किसी का निजी राय हो सकता है, लेकिन मैं जो जानता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ शायद वो नहीं जानते हैं। जितना ज़्यादा कनेक्टेड मैं दलितों से पिछड़ों से हूँ उतना शायद ही कोई कनेक्टेड है, तो उनको कहने दीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि सर अशोक गहलोत की अगर बात करें तो क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे सचिन पायलट के लिए खासकर अगर बात करें, और क्या पार्टी अब उनको दोबारा अध्यक्ष पद की चुनाव में जो है रेस में खड़ा करेगी? आप क्या कहेंगे इसके? क्यों नहीं खड़ेगी, इसमें है क्या गलती क्या है इसमें? अगर ये जनतांत्रिक तरीके से सब कुछ हो रहा तो उसमें गलती क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि ये दुर्भाग्य है कि जब जनतांत्रिक तरीके से इस देश में होता तो लोग उसको कहते हैं कि देखो ये सिर्फ टोबल हो रही है, मतभेद हो रहा है, और अलोकतांत्रिक तरीके से चीजें होती तो कहते हैं देखिए अनुशासित पार्टी है। यह दुर्भाग्य है देश का, और कहीं कहीं कहा गया था कि डेमोक्रेसी माबोक्रेसी है, तो कभी कभी डेमोक्रेसी माबोक्रेसी का रूप ले लेती है। इस समय भारत में तो माबोक्रेसी ही चल रही है, वन मैन दो गुजराती भाई पूरे देश को चला रहे हैं, वो अच्छी बात है।
अच्छा, आपकी अगर बात करें सर, आप प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अब जो सीएम होगा राजस्थान का वो कौन हो सकता है, पार्टी किस पर विचार विमर्श कर रही है? फिर पर्यवेक्षक नहीं, पर्यवेक्षक किस लिए भेजे गए? अगर हम ही बता देंगे तो फिर पर्यवेक्षक जो टटोलने गए तो फिर उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल इससे मैं थोड़ा हटके लेना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में आज गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी उन्होंने नाम रखा है, साथ ही उन्होंने तंज कसा है कि ये पार्टी पूरी तरीके से आजाद रहेगी, किसी के प्रभाव में आके काम नहीं करेगी। गुलाम नबी जी कांग्रेस से भी आजाद हो गए हैं, पार्टी भी अपना नाम आजाद रखा है, कोशिश करें कि जम्मू एंड कश्मीर को भी आजाद करें, अब जो भी करना हो करेंगे, अपना और उनकी अपनी निजी राय है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये था हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। मैं रितिका राजपूत, और रिपोर्टर्स डायरीज में जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का क्या नाम होगा, वो झंडा कौन सा रखेंगे और क्या कुछ स्ट्रेटेजीज उनकी होंगी अपकमिंग इलेक्शन को लेकर, आज तमाम जानकारी जो है वो गुलाम नबी आजाद के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, और उसी के दौरान उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम भी साझा किया है। जो झंडा उनकी पार्टी का रहेगा उन्होंने वो भी सबको दिखाया है, और झंडे को रखने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी ये तमाम जानकारी भी उन्होंने दी है। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का नाम होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, और इसी पार्टी के नाम के साथ उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के हित की बात की जाएगी, पार्टी का एजेंडा जो रहेगा वो सब लोगों को साथ लेके चलने को लेके रहेगा। अब बात करते हैं पार्टी का जो झंडा दिखाया गया है, उस झंडे को आपको बता दें उसमें तीन रंग अलग अलग दिखाए गए हैं, और उन तीनों रंगों को रखने के पीछे की मंशा क्या थी वो भी बताई गई। सबसे पहले आपको बता दें इसमें पीला, नीला और सफेद रंग जो है इसको शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पीले रंग की बात करूँ, पीला रंग क्यों रखा गया है, इसका अर्थ जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब ने बताया, पीले रंग का मतलब है क्रिएटिविटी, यानी कि नई चीजों को ऐड किया जाएगा, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाएगा, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए पार्टी जो है वो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल भी करेगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सफेद रंग की, सफेद रंग की अगर जब भी हम बात करते हैं, सफेद रंग अमन और शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए यहाँ पे अमन और शांति के प्रतीक को भी झंडे के रंग में शामिल करके दर्शाया गया है। और इसी के साथ अब मैं बात करूंगी नीले रंग की, तो आजाद साहब का कहना था कि समंदर की गहराई, आसमान की ऊंचाई तक ये दर्शाता हुआ नीला रंग उनके झंडे में शामिल किया गया है, और उनका एजेंडा जो रहेगा आने वाले समय में तमाम लोगों को साथ लेके चलने को लेके रहेगा। और आज जो प्रेस वार्ता की गई है, आजाद साहब को सपोर्ट करने के लिए जीएम सरूरी वहां पे मौजूद थे, आरएस चिप वहां पे मौजूद थे, तारा चंद, जुगल किशोर शर्मा और तमाम अन्य पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा था आजाद साहब को सपोर्ट करते हुए, वो तमाम लोग आज पार्टी की इस प्रेस वार्ता में शामिल थे, और 100 के करीब करीब लोग वहां पे शामिल थे, क्योंकि यहां पे सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया था। और आने वाले समय में हो सकता है कि जन संबोधन भी किए जाएं, जनता से भी रूबरू होने का कार्य किया जाए, और अब जाके एक जो लंबा इंतजार था कि गुलाम नबी आजाद साहब कौन सी पार्टी बनाएंगे, क्या कुछ नाम रखेंगे, पार्टी रखने के पीछे की क्या कुछ उनकी सोच रहेगी, और आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा, तमाम जो ये सवालों के जवाब हैं वो आज मिल चुके हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो अब एक नई पार्टी है, नया राजनीतिक दल जो है वो जम्मू कश्मीर में बना है। अब आने वाले समय में लोगों का क्या समर्थन रहेगा, किस प्रकार से इलेक्शन में इन्हें विजय मिलेगी या फिर क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, तमाम जानकारी भी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान ने अपने सुरक्षा कर्मियों को जाने को कह दिया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा आजम खान को मिली थी, जिसमें 3 जवान सुरक्षा में लगे थे। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुरक्षा की। तो ऐसे में वाई श्रेणी के जो सुरक्षाकर्मी थे, यानी 3 जो जवान लगे थे उनकी सुरक्षा में, उन तीनों ने रामपुर में आके पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराई है। ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी अपने एक गनर यानी जो सुरक्षाकर्मी था, उन्होंने भी उसको वापस कर दिया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर आजम खान को सुरक्षा की दृष्टिकोण से फिर सिक्योरिटी चाहिए तो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि अभी बहरहाल जो भी सुरक्षाकर्मी थे वो पुलिस लाइन में पहुंच गए हैं। देखने वाली बात यह होगी
कि आजम खान बिना सुरक्षा के रहते हैं या फिर सुरक्षा को वापस लेंगे। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मित्रा, JK 24x7। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कल यानी के 27 सितंबर को बुला लिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना राज्यपाल भवन को भेजी गई, जिसके बाद अब राज्यपाल हाउस की तरफ से भी एक दिन के सेशन को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सरकार ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ये सेशन कितने दिनों तक चलेगा, लेकिन क्योंकि एक दिन की मंजूरी मांगी गई थी पंजाब के राज्यपाल से और पंजाब के राज्यपाल ने एक दिन के सेशन की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसी बीच पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर तलवारें जरूर खींची। जब राज्यपाल ने एक चिट्ठी पंजाब के मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा के सचिव को जो चिट्ठी भेजी गई थी और उसमें ये मांगा गया था ब्यौरा कि आखिरकार इस विधानसभा के सत्र के दौरान आपके एजेंडे क्या क्या होंगे, इसको बाद पंजाब सरकार बहुत ज़्यादा निराश नज़र आई थी। मुख्यमंत्री से लेकर पंजाब के कई मंत्रियों और दिल्ली के कई नेताओं ने भी राज्यपाल के इस फैसले और इस दखल को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि पंजाब सरकार ये दावा कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो बिजनेस का एजेंडा है वो राज्यपाल उसको मांगने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन जब ये पूरा मामला छिड़ा और राज्यपाल ने जब एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा और उसमें उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के बारे में एहसास कराया और ये भी बताया कि किस कानून के आधार पर, किस आर्टिकल के आधार पर पंजाब के जो गवर्नर हैं वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री दफ्तर से इन चीज़ों का ब्यौरा मांग सकते हैं, तो उसके बावजूद पंजाब सरकार थोड़ी बैकफुट पर जरूर आई और अगले दिन सरकार की तरफ से एक पत्र जो था, एक जवाब था, वो पंजाब के राज्यपाल हाउस को भेजा गया, जिसमें सरकार ने ये कहा कि वो बिजली, पानी और पराली जैसे मुद्दों पर इस सेशन के अंदर चर्चा करना चाहती है, क्योंकि धान की कटाई का सीजन पंजाब में शुरू होने वाला है, तो ऐसे में पराली प्रबंधन को लेकर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे पंजाब सरकार पराली प्रबंधन का हल करेगी। ये जब चिट्ठी गवर्नर हाउस को भेजी गई तो उसके बाद पंजाब के गवर्नर ने एक दिन के सेशन को मंजूरी दी गई और स्पेशल लिखा गया कि पंजाब सरकार ने एक दिन के लिए सेशन की मंजूरी मांगी थी, इस वजह से एक दिन की मंजूरी दी जा रही है और अब कल यानी कि 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का ये सत्र होगा। लेकिन अब देखना होगा कि जो विधानक एजेंडे जो है पंजाब सरकार की तरफ से भेजे गए, क्या वही एजेंडे विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाएंगे या फिर कोई प्राइवेट जो बिल है, विधायक बिल है, उसके ज़रिए कुछ और करने का प्रयास इस सेशन के दौरान किया जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पंजाब सरकार और गवर्नर के बीच जो अधिकारों की एक तरीके से लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई इन दोनों तरफ से जो चिट्ठियां भेजी गई वो लड़ाई जरूर समाप्त हो चुकी है, लेकिन कल सेशन के बाद देखना होगा कि क्या कुछ एजेंडे इस सेशन के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से लाए जाते हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24x7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं कपिल गोड और आप देख रहे हैं JK 24x7 की खास पेशकश रिपोर्टर डायरी। आज की रिपोर्टर डायरी में बात करेंगे हम हरियाणा की उस खबर की जिसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार के खुलासे होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दरअसल हरियाणा के विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि एक 17 साल पुराने भ्रष्टाचार के आरोप को दोबारा से चलाया जाए। दरअसल 17 साल पहले यानी कि 2001 और 2004 में HCS और अन्य परीक्षाओं के अंदर भ्रष्टाचार का गोलमाल और भ्रष्टाचार होने का, हेरफेर होने का अंदेशा विजिलेंस ब्यूरो ने लगाया है। दरअसल उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे में जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब भी ये भ्रष्टाचार होने के आरोप विजिलेंस की टीम ने जो है वो लगाए हैं और इसमें हरियाणा सरकार से परमिशन मांगी है कि हरियाणा सरकार इन केस को चलाने की अनुमति दे। दरअसल आरोप ये है कि 2001 में लगभग 66 वैकेंसियां HCS अधिकारियों के लिए निकाली गई थी और 2004 में 120 के लगभग वैकेंसियां HCS अधिकारियों के लिए निकाली गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार करके या फिर गोलमाल करके इन अधिकारियों की जो पोस्ट है वो बढ़ाई गई थी और काफ़ी संख्या के अंदर अधिक अधिकारियों की भर्ती की गई थी। इससे पहले भी हरियाणा सरकार 23 HCS अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है और अब इस मामले को लेकर के जो गेंद है वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के पाले के अंदर है।
अगर उनकी अनुमति होती है तो जल्द ही 17 साल पुराने इस केस की जो फाइल है वो खुलेगी और विजिलेंस की एक SIT टीम बैठाई जाएगी। सूत्रों का माने तो हरियाणा सरकार भी मन बना रही है इस विजिलेंस की जांच को खोलने के लिए, इस केस को खोलने के लिए। अगर ये केस की जांच होती है दोबारा से SIT में तो लगभग तय माना जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरे जो नेता हैं उनके नाम इस रिपोर्ट में भी सामने आ सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या हरियाणा सरकार विजिलेंस डिपार्टमेंट की इस मांग को मंजूरी देती है या नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गोड, J24 न्यूज। मैं हैदर अली, रिपोर्टर डायरी में। आज बात करेंगे नोएडा ट्रैफिक पुलिस की। जी हां, नोएडा ट्रैफिक पुलिस बहुत जल्द एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने वाली है जिसके जरिए अब आपका ना ही इंश्योरेंस होगा और ना ही पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंप पर। जी हाँ, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लाखों की तादाद में गौतम बुद्ध नगर में चालान पेंडिंग है, लोग चालान अपना भरने नहीं जाते हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए और डराने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्रस्ताव लाया है। आपको बता दें, अभी तक ज़िले में नो हेलमेट नो फ्यूल का प्रावधान लागू है। अगर आप बिना हेलमेट लगाए किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ आपको फ्यूल नहीं मिलता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आप चालान नहीं भरेंगे तब भी आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको बता दें, इस बारे में बाकायदा एक मीटिंग हो चुकी है, प्रस्ताव पास हो चुका है। बहुत जल्द ही शासन से हरी झंडी मिलने के बाद टेक्निकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा नोएडा पुलिस के ज़रिए, ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। उस सॉफ्टवेयर को तमाम जो इंश्योरेंस कंपनी हैं और तमाम जो ज़िले में पेट्रोल पंप हैं उनसे कनेक्ट किया जाएगा, उनको लूप में रखा जाएगा और एक ऐसा माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब कोई भी इंसान किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है और उसका नंबर डिडक्ट होते ही कैमरे में एक वहां अलार्म बज जाए कि इस बंदे के चालान पेंडिंग है। इसी तरह अगर कोई इंश्योरेंस कराना चाहता है और जब उसकी गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, RC का नंबर जब उनके सॉफ्टवेयर में जाएगा तो वहाँ उनको सूचना मिल जाएगी कि इस बंदे के इतने चालान पेंडिंग हैं। ये काम तभी होंगे जब पूरी तरह से चालान भर दिए जाएंगे। तो रिपोर्टर डायरी में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब आपके ज़िला गौतम बुद्ध नगर में चालान पेंडिंग हैं तो उनको भर दीजिए, वरना आने वाले दिनों में जब इस इनिशिएटिव को लागू कर दिया जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको पेट्रोल पंप पर जाकर बिना फ्यूल भरवाए भी वापस आना पड़ सकता है। हैदर अली, J247 न्यूज़। नमस्कार, मैं केशव मोहन मिश्रा और मेरी रिपोर्टर्स डायरी में है। जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 दिन की बारिश के बाद दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है, लगातार दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। जिस तरीके से लगातार 3 दिन से अधिक दिनों तक दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई, उसका प्रभाव इतना पड़ा कि दिल्ली में लगातार तमाम इलाकों में वायु की गुणवत्ता खराब होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, या दिल्ली में जगह जगह जो है सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो व्यवस्थाएं हाल फिलहाल में इन बारिश के दिनों में नहीं दिखाई दी। जलभराव की समस्या को दिल्ली के लोगों ने झेला है और दिल्ली में जब जलभराव के बाद ट्रैफिक की समस्या का भी सामना इस वक्त दिल्ली ने किया जब दिल्ली में बारिश का मौसम बना हुआ था। अभी भी लगातार मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 48 घंटे तक हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन दिल्ली के लोगों को हल्की सी राहत जरूर मिल रही है क्योंकि बारिश अब कहीं ना कहीं थम चुकी है, लेकिन अगले 48 घंटे हल्की बारिश की संभावना जरूर बताई गई है। बारिश के प्रभाव के बाद जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है, वायु की गुणवत्ता का सूचकांक भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। सरकार और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से लगातार वायु की गुणवत्ता के लिए प्रयास किए जाते हैं कैसे उसको सुधारा जाए, वो प्रयास हाल फिलहाल में अभी सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम आता है तो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होती है, लेकिन बारिश के बाद भी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया। सहयोगी चिराग के साथ केशव मोहन मिश्रा, J247 न्यूज, दिल्ली।